हेलो। तो आज मैं इधर आया था हिमाचल। तो हिमाचल में देखा तो यहाँ जंगलों में काफ़ी आग लगी हुई है। तो ये देखो, ये आग फैलती फैलती काफ़ी नीचे से आग लगी हुई आ रही है ये। और ये देखो आप, ये यहाँ पे आग लगी हुई है यहाँ से, और ये काफ़ी ऊपर आग लगी हुई आ रही है। तो काफ़ी पेड़ पौधे जल चुके हैं। आप देखेंगे कि यहाँ आग बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अब ये देखो, सड़क के किनारे पहुँच चुकी है आग, लेकिन कोई इसको बुझाने के लिए नहीं आ रहा। आप ये देख सकते हो, मैं अभी इस रोड से घर के लिए गुजर रहा था तो हमने देखा कि ये आग कैसे लगी है और किसने लगाई है कुछ पता नहीं। लेकिन गर्मियों का दिन है तो अक्सर पहाड़ों पे आग लग जाती है। ये देखो, काफ़ी दूर से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि जो इन वीडियो को देखें तो वो आके कुछ यहाँ इस आग को बुझाएं। तो मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ गांव वालों को कि इसको आके जितनी जल्दी से जल्दी होता तो इसको बुझाएं। और ये सड़क के किनारे बिल्कुल आ चुकी है आग यहाँ पे आने जाने के लिए। और क्योंकि गर्मियों का टाइम है, टेम्परेचर काफ़ी है, तो जिसके कारण यहाँ पे, और ये देखो सामने बसें भी आ रही हैं, तो सबको खतरा है। लेकिन सबसे एक ही अनुरोध है कि मेरे को वीडियो बनाते हुए बहुत धुआं भी लग रहा है। और ये देखो, ये हिमाचल की एक बस गई है अभी, और मैंने अपनी गाड़ी वो साइड में खड़ी करी है ताकि यहाँ से थोड़ी आग बुझ जाए। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, बहुत तेज़ आग लगी हुई है। अब ये पूरी रात जैसे जैसे वो पहाड़ी की ओर ऊंचाई की तरफ बढ़ती जाएगी और आग और तेज़ बढ़ती जाएगी साथ साथ। और ये देखो, पूरा जंगली इलाका है यहाँ पे। तो मैं अभी किसी काम से यहाँ आया था, ये देखो पूरी पहाड़ी लगभग यहाँ पे जलकर खाक हो चुकी है। काफ़ी पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है। और ये देखो, ये शाम का टाइम है, लोग अपने घरों में जा चुके हैं लगभग। अब ये सूरज अस्त हो रहा है और आप ये देख सकते हैं बिजली के खंभे भी हैं आसपास, इनके नीचे से भी आग लगकर यहाँ पे अभी तो रुक गई आग शाम का टाइम है। ये देखो, तो जो जो वीडियो देखते हैं कृपया वो आके कुछ लोगों की हेल्प करें। वो सामने मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई अपनी यहाँ पे, तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊं कि वो सतर्क रहें, ध्यान दें। गाड़ियाँ बिल्कुल निकल रही हैं, बिल्कुल पास से निकल रही हैं, सबके लिए खतरा है। और ये देखो, ये यहाँ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि कल यहाँ पे काफ़ी आग लगी थी। यहाँ पे पूरी पेड़ पौधे काफ़ी जलकर यहाँ के खाक हो चुके हैं। और ये देखो, नीचे सड़क भी है ये। और ये इस टाइम शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, सूरज भी अस्त हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कोई इस आग को बुझाने के लिए कोई अभी यहाँ पर आएगा। और ये आम का पेड़ है, आम देखो पूरी तरह झुलस गए हैं इस आग के कारण, पूरे आम के पेड़ झुलस गए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, और आपको और दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये हम यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल तकरीबन आग के पास ही हैं। काफ़ी धुआं ही हो रखा है, शाम का टाइम है। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों को आते जाते मैंने बोला है कि इसको आकर बुझाएं।
मैं भी से मैंने अब यहाँ जो लोग आसपास जो रह रहे हैं उनको मैंने बोला है कि आप यहाँ पे आके देखो कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है तो बुझाने का वो करें। और ये देखो और आगे मतलब काफ़ी पूरी लगभग पूरी पहाड़ी जलकर खाक हो चुकी है और इस तरफ भी काफ़ी आग लगी हुई है। अब मैं गाड़ी लेके फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ क्योंकि आग हवा भी चल रही है और जितनी तेज़ हवा चल रही है उसी हिसाब से काफ़ी आग बढ़ रही है। ये देखो ये सिर्फ बारिश होगी या कुछ होगा तभी अपने आप बुझेगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो उस वीडियो को देखें तो उस वीडियो के माध्यम से वो आकर आग बुझाएं क्योंकि लोगों के आसपास घर भी हैं। तो सबको मैंने बोल दिया है और वीडियो भी मैंने शेयर कर दी है ताकि वो देख के आए इस वीडियो। ये देखिए पहाड़ों में कैसे लगती है आग, लाइव तस्वीरें हैं ये। पूरा जंगल जलकर खाक, इतनी स्पीड से इतनी तेज आग है और इतनी तेज हवा है। आप देखो कभी भी जाएं सतर्क रहें, ऐसे आग लगे तो कृपया उससे दूरी बना के रखें।